नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती है खबरें हमारी। विंध्य के नेता विंध्य की जनता के प्रति कितना गंभीर है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रीवा से मुंबई को जोड़ने वाली साप्ताहिक ट्रेन भी परिचालन संबंधी कठिनाई बताकर बंद कर दी गई। अब विंध्य की जनता रीवा से सीधे मुंबई की यात्रा नहीं कर पाई। अब विंध्य की जनता अपने नेताओं की हैसियत और औकात का अंदाजा इसी बात से लगा ले कि एक साप्ताहिक ट्रेन चल रही थी, उसे भी विंध्य के कद्दावर नेता, गरीबों के मसीहा, लोकप्रिय जननायक, तमाम विभूतियों से विभूषित होने वाले नेता इस ट्रेन को नहीं बचा। रीवा से भोपाल को जोड़ने वाली एकमात्र ट्रेन थी रेवांचल, दूसरी ट्रेन भी विंध्य के नेता भोपाल के लिए नहीं चलवा पाए। वहीं भोपाल के नेता एवं विधायक भगवान दास सबनानी के एक छोटे से निवेदन पर देश के रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भोपाल से रीवा को एक और ट्रेन दे दी थी। विंध्य के नेता पूरे देश के अंदर तमाम मंत्रियों के दरवाजे की चौखट पर जाकर अपना माथा टेकते हैं और माथा टेकने के बाद फोटो खिंचवाते हैं, फोटो खिंचवा करके उसको सोशल मीडिया में और मीडिया में छपवा देते हैं। विंध्य की जनता सिर्फ इसी बात से प्रसन्न हो जाती है। अब अगर विंध्य की जनता नेताओं की फोटो देखकर प्रसन्न हो जाती है, विंध्य की जनता नेताओं की फोटो देखकर इन नेताओं को वोट दे देती है, तो फिर इन्हें काम करने की जरूरत क्या है? कोई ट्रेन चलवाने की जरूरत क्या है? या कोई ट्रेन चल रही थी वो रुक गई, उसको बहाल कराने की जरूरत क्या है? विंध्य क्षेत्र के नेता छोटी मोटी सौगात मिलती है तो फोटो इस कदर खिंचवाते हैं और सोशल मीडिया में इस तरीके से वायरल करते हैं जैसे उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। बीते 20 साल से विंध्य के नेता रेल मंत्री से मिल रहे हैं, उनकी चौखट चूम रहे हैं, उनकी चौखट और उनका दरवाजा खटखटा रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन आज तक रीवा से मुंबई के लिए एक नियमित ट्रेन विंध्य का कोई कद्दावर नेता, कोई माई का लाल नहीं चलवा पाया। एक ट्रेन चल रही थी वह भी बंद हो गई। रीवा से मुंबई जाने वाली ट्रेन 6 अक्टूबर से अब नहीं चलेगी। यह है विंध्य क्षेत्र के नेताओं की सक्रियता, यह है विंध्य क्षेत्र के नेताओं की हैसियत, यह है विंध्य क्षेत्र के नेताओं की औकात। यहां पर आश्चर्यजनक बात यह है कि ट्रेन 3 साल पहले शुरू हुई थी और उसको पर्याप्त सवारी मिल रही थी। कई बार ट्रेन इसलिए बंद कर दी जाती है कि ट्रेन को पर्याप्त सवारी नहीं मिल रही थी या पर्याप्त बिजनेस नहीं मिल रहा था। इस ट्रेन को पर्याप्त सवारी मिल रही थी, पर्याप्त बिजनेस मिल रहा था, इसीलिए यह ट्रेन 3 साल से लगातार चल रही थी। लेकिन विंध्य क्षेत्र की उपेक्षा कैसे की जाए, विंध्य क्षेत्र के निवासियों को कैसे परेशान किया जाए, विंध्य क्षेत्र के निवासियों को कैसे परेशानी की ओर धकेला जाए, इस बात का प्रयास रेलवे भी करता है। एक गरीब रथ चलती है जो जबलपुर से मुंबई जाती है, मुंबई से चलकर जबलपुर सुबह पहुंच जाती है, पूरे दिन ट्रेन जबलपुर में खड़ी रहती है। एक बार यह प्रस्ताव आया कि गरीब रथ को रीवा तक चला दिया जाए क्योंकि जबलपुर में पूरे दिन खड़ी रहती है, लेकिन उस समय के तत्कालीन जबलपुर के सांसद एवं वर्तमान लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने अपने पूरे लाव लश्कर के साथ इस बात का विरोध किया कि गरीब रथ को रीवा तक नहीं जाने देंगे। राकेश सिंह ने तो जबलपुर की जनता में अपनी लोकप्रियता बढ़ा ली, लेकिन विंध्य क्षेत्र के किसी भी नेता ने इस बात के लिए आंदोलन नहीं किया कि गरीब रथ को विंध्य क्षेत्र तक आना चाहिए। 3 साल पहले शुरू की गई एक साप्ताहिक ट्रेन भी अब परिचालन संबंधी कठिनाई बताकर बंद करने का निर्णय लिया गया है। इस पूरे मामले में नेताओं के साथ साथ विंध्य क्षेत्र की जनता भी दोषी है। अगर नेता किसी जन आंदोलन की पहल नहीं करते, रणनीति नहीं बनाते, तो इन सब बातों के लिए जनता को भी आगे आना चाहिए, लेकिन नहीं, जनता परेशान हो लेगी, संघर्ष का रास्ता अख्तियार नहीं करेगी। यहां पर एक आश्चर्यजनक बात और है कि विंध्य क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को बेपनाह मोहब्बत करती है, बंपर वोट देती है। विंध्य क्षेत्र के 4 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन विंध्य क्षेत्र की सुविधाओं के मामले में ये 4 सांसद मूक दर्शक बनके तमाशा देखते रहे। ये 4 सांसद सुविधाओं के मामले में संघर्ष का रास्ता क्यों नहीं अख्तियार करते, यह बात समझ से परे। नरेंद्र मोदी 3री बार प्रधानमंत्री बने हैं, देश के अंदर 3री बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश के अंदर 3री बार विंध्य से लगातार 4 सांसद हैं, लेकिन रेल सुविधाएं बढ़ने की बजाय घट रही हैं।
विशाल खबर का बिंद क्षेत्र के चारों सांसद एवं विकास पुरुष के नाम से सुगंधित राजेंद्र शुक्ला से आग्रह है कि यदि वाकई में आप लोग जनता की सुख सुविधाओं को बढ़ाने में यकीन रखते हैं तो आप लोगों को रीवा से मुंबई ट्रेन को नियमित रूप से चलाने की मांग करनी चाहिए और इस बात के लिए जितना बड़ा संघर्ष करना पड़े उस दिशा में पहल करनी चाहिए। अब रेलवे ने इस ट्रेन को परिचालन संबंधी कठिनाई बताकर बंद कर दिया है तो विशाल खबर रेलवे की दलील पर आश्चर्यचकित है कि परिवहन संबंधी दिक्कत आ रही है इसलिए इस गाड़ी को बंद किया जा रहा है। तो विशाल खबर का पहला सवाल रेलवे विभाग से है कि क्या जब रीवा से मुंबई ट्रेन जाती है तो पटरी अपने आप हिलने लगती है या उखड़ने लगती है इसलिए इस ट्रेन को बंद किया जाता है। दूसरा सवाल कि क्या जब रीवा से मुंबई ट्रेन चलती है तो इस ट्रेन को चलाने से ड्राइवर मना कर देते हैं। तीसरा सवाल कि क्या गार्ड इस ट्रेन में जाने से मना कर देते हैं। चौथा सवाल कि रेलवे का फाटक खोलने और बंद करने वाले कर्मचारी क्या यह कह देते हैं कि यह ट्रेन गुजरेगी तो हम रेलवे का फाटक बंद नहीं करेंगे। क्या स्टेशन मास्टर इस ट्रेन के लिए अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार नहीं है। क्या गार्ड झंडी दिखाना नहीं चाहता। आखिरकार जब इस मार्ग से एक सैकड़ा ट्रेन चल रही है तो इसी ट्रेन के परिचालन में दिक्कत क्यों आ रही है। इससे एक बात बिल्कुल साफ है कि रेलवे विभाग भी यह मानकर चलता है कि विंध्य क्षेत्र के नेता आराम तलब है, जनता के प्रति गंभीर नहीं है। विंध्य क्षेत्र की जनता भी संघर्ष के मामले में अन्य क्षेत्र की जनता से कमजोर है इसलिए रेलवे ने परिचालन संबंधी दिक्कत बताकर रीवा से मुंबई तक जाने वाली ट्रेन को बंद करने का निर्णय ले लिया और यदि विंध्य क्षेत्र के लोगों ने हो हल्ला नहीं किया तो यह ट्रेन हो सकता है शायद दोबारा चले भी जाए। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।